विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, लेकिन उन नेताओं को ये ज्ञान नहीं कि एक विधानसभा के चुनाव से पूरे देश का संविधान बचेगा। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टी खतरे में है, उनके नेता खतरे में हैं, वो खतरे में हैं। इस समय तक पिछड़ों का हक, दलितों का हक, अल्पसंख्यक का हक जिन लोगों ने लूटा है उनको खतरा है। सलमान ये मोहम्मद साहब को मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। इनकी निगाह में कौन मजलूम है? अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, ये सब बहुत मजलूम है, खाने बिना मर रहे हैं लोग। तो हम आए थे, हमारे बड़े नेता हैं, प्रदेश के होल टाइमर हैं, कमलेश राजभर, उनकी माता जी का देहांत हुआ था, दुआ करने के लिए हम लोग आए थे। और पता लगा कि जब गांव में गए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदारी दिया है पंचायत राज विभाग। तो उस संबंध में इधर हम लोग ये पंचायत भवन टटोलने आ गए कि क्या यहाँ सफाई कर्मचारियों की हाजिरी होती है कि नहीं, जो यहाँ कंप्यूटर सहायक पंचायत रखे गए हैं कंप्यूटर चलाने के लिए वो यहाँ हैं कि नहीं हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जो उपस्थिति होती है सेक्रेटरी की क्या उनकी होती है कि नहीं होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम लोग दौरा कर रहे हैं। और रहा सवाल आपका चुनाव का, तो जो पहला लक्ष्य हम लोगों का था कि देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने, जो पहला लक्ष्य था उसकी प्राप्ति हुई है। एनडीए का कल बैठक था, आपको नहीं बुलाया गया? अरे कल बैठक है महाराज, आपको पता ही नहीं है? कल बैठक थी, कल बैठक है, कल उनको बुलाया गया था जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे उनको बुलाया गया। क्या विपक्ष संविधान खत्म करने वाला जो रूमर फैलाया था सफल हो पाया? अब तो बच गया ना। ये जनता को गुमराह करके वोट लेने का तरीका है, ये जनता को गुमराह करके वोट लेने का तरीका है। मैं आपको बता दूं, बाई इलेक्शन यूपी में बाई इलेक्शन हो रहा था, इस समय यही विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, लेकिन उन नेताओं को ये ज्ञान नहीं कि एक विधानसभा के चुनाव से पूरे देश का संविधान बचेगा। और आज वही लोग चिल्ला रहे थे जो कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टी खतरे में है, उनके नेता खतरे में हैं, वो खतरे में हैं। इस नाते वो परेशान हैं कि मोदी जी के सामने कोई सरकार बनाने की हैसियत में नहीं आ रहा है। मजे की बात, आपने देखा कि 99 सीट जीतने वाला देश की सरकार बनाने के लिए जश्न मना रहा है और 293 सीट जीतने वाला चुपचाप मार के साइलेंट है। कितनी है, मतलब अचंभे की बात है। तो देश का संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो विपक्ष के लोगों को खतरा है, उनकी पार्टी को खतरा, उनके नेताओं को खतरा है, जो लंबे समय तक पिछड़ों का हक, दलितों का हक, अल्पसंख्यक का हक जिन लोगों ने लूटा है उनको खतरा है कि अब हम लूट नहीं पाएंगे। आज मोदी जी के राज में उठा के देखिए, पहली बार आज़ादी के बाद लोग कहते हैं मुसलमानों के विरोधी हैं। IAS कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं, अगर वो विरोधी होते तो 51 नहीं होते। लेकिन ये मुसलमान, ये मोहम्मद साहब को मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। इनकी निगाह में कौन मजलूम है? अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, ये सब बहुत मजलूम है, खाने बिना मर रहे हैं लोग, उन्हीं की मदद करते हैं ये। इसी तरह इसी नाते इनको कहते हैं लोग ना कि ये लोग अशिक्षित हैं, जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित हैं, मोदी जी शिक्षा देना चाहते हैं। एक योजना देश में कोई बता दे, जो योजनाएं मोदी जी की बनी, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, किसानों के सम्मान निधि की बात हो 6,000 रुपया, जो कांग्रेस सपा की सरकारों में गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, आज वो अनाज गरीबों के 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। इस बात को लेकर वो लोग परेशान हैं कि हमारे जो बिचौलिए थे उनके लोग थे, लूट रहे थे बिचौले में, अब वो बेचारे हाँफ रहे हैं, पुलिस जी दौड़ा रहे हैं, दरोगा दौड़ा रहे हैं, अधिकारी दौड़ा रहे हैं कि बीच में लूट ले तो फिर लौटा ही दे। ऐसे वो सब परेशान हैं, कहीं सब सही है, आज कानून का राज है देश में, प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हो रहे, कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा है, ये है राज, ये योगी जी का राज है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो सोच रहा कहीं बुलडोजर बाबा ना आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिस संविधान की बात करने वाले चाहे अखिलेश जी चाहे मायावती जी, आइए मायावती जी को तो मैं नहीं कहता लेकिन ये चिल्ला रहे थे अखिलेश जी और राहुल जी, इनसे पूछो कि जब
मायावती जी ने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को 22.5% रिजर्वेशन ठेके में दिया, तो उसको खत्म किसने किया, उस संविधान को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को जब लागू हुआ तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। गरीब कमजोर पिछड़े दलित को हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई उनके नाम से, उन महापुरुषों की जो बनाई गई योजना, खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। ये क्या बोलेंगे? ये तो जनता के बीच में वोट लेने का इनका एक तरीका निकला, वोट ले लिए। लेकिन जब जवाब देना होगा, हम तो देने जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में फ्री बिजली देने जा रहे हैं, योजना बना रहे हैं, फ्री बिजली देने जा रहे हैं। अगर दम है संविधान खत्म करने वाले लोगों को, मर्द है तो करके दिखावे, हम तो चल रहे हैं। आज आया हूँ ना पंचायत भवन में, यही चेक करने आया हूँ, यही फार्म भरवाऊंगा इसी पंचायत भवन में, यही गांव के लोगों का फार्म भरवाऊंगा, यही मैं सोलर पैनल उनके छत पे लगवाऊंगा और 75% सब्सिडी पे दूंगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। ये क्या करी है सब, तो बकचोद हम बे मतलब पे।